हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, उदयपुर, उदयपुर कहाँ पे है? उदयपुर है राजस्थान में। भारत में जितनी भी टूरिस्ट लोकेशन है उनमें उदयपुर भी काफ़ी मायने रखता है। और उदयपुर की लोकेशन आप देखेंगे, ये बिल्कुल अहमदाबाद या गुजरात से नज़दीक है। और गुजरात अहमदाबाद वालों के लिए उदयपुर में भी आप एक वीकेंड होम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीकेंड होम में हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? हमें वीकेंड में अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ एक बढ़िया टाइम स्पेयर करने के लिए जगह चाहिए। तो सोचिए, आप अहमदाबाद में रहते हैं और आपका वीकेंड होम उदयपुर में है, तो है ना एक बढ़िया ऑप्शन। क्यों, उदयपुर में रहने के साथ साथ वहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कुछ है आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, जो काफ़ी आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए जो काफ़ी मज़ेदार होगा। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि उदयपुर में यदि आप एक वीकेंड होम खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी ऑप्शंस आप कंसिडर करेंगे और आपको वहाँ पे क्यों वीकेंड होम लेनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। भारत की ऐतिहासिक शहर उदयपुर, ये शहर अपने झीलों और खूबसूरत महलों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। मेवाड़ का बेहतरीन योद्धा महाराणा समेत कई कहानियां उदयपुर अपने अतीत में समेटे हुए है। आधुनिक उदयपुर अभी काफी बदल चुका है। टूरिज्म सेक्टर में उदयपुर ने अपने अलग ही पहचान बना रखा है। रेल, सड़क, हवाई रास्ते से उदयपुर भारत की प्रमुख शहर से जुड़ा हुआ है और ये बेहतरीन लोकेशन आज के तारीख में रियल एस्टेट में काफी इम्पोर्टेंस भी रखता है। ये खूबसूरत शहर चारों तरफ से पर्वत से घेरा हुआ है और लेक के किनारे ये शहर बसाया गया है। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिज्म में ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ एक वीकेंड होम, फार्म हाउस या रिटायरमेंट होम की आइडिया हर किसी को पसंद आएगा। शहर की क्षेत्रफल 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स, प्रॉपर्टी बायर्स आसानी से प्रॉपर्टी वेरीफाई या विजिट कर सकते हैं। और उदयपुर में एजुकेशन के लिए IIM, MLSV, जनार्दन रे नगर, राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, SIR पद्मावत सिंघानिया यूनिवर्सिटी और कई सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ विराजमान है। डेवलपिंग सिटी होने के कारण कम से कम रेट में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम रकम में आप यहाँ अच्छी ROI लेके यहाँ से निकल सकते हैं। उदयपुर शहर आज रियल एस्टेट की शुरुआती दौर पे है। सिटी में ऐसा कोई भी मेजर कॉर्पोरेट्स नहीं आने के कारण शहर में अफोर्डेबल प्राइस में हर प्रकार की प्रॉपर्टी उपलब्ध है। सालाना 18-20% की ग्रोथ आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। उदयपुर केवल उदयपुर वालों के लिए नहीं है, ये लोकेशन में आप एक सुंदर वीकेंड होम, फार्म हाउस या रिटायरमेंट होम बना सकते हैं। शहर की लिविंग स्टैंडर्ड भी काफी इम्प्रूव हुआ है। कई सारे मॉल्स, सुपरमार्केट, क्वालिटी होटल्स, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज तैयार है। उदयपुर को कनेक्टिंग 4-लेन हाईवे जैसे चित्तौर, भिलवाड़ा, अजमेर टू जयपुर भी बहुत जल्दी 6-लेन एक्सप्रेस रोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हुए उदयपुर आ सकते हैं। अहमदाबाद जैसे शहरों की इन्वेस्टरों के लिए ये एक बेहतरीन वीकेंड होम डेस्टिनेशन बन सकता है। 4-5 घंटे का ड्राइव में आप अहमदाबाद से उदयपुर पहुंच सकते हैं। उदयपुर में निवेश करने के समय ये कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर चेक करनी चाहिए, जैसे द डीड टाइटल यानी प्रॉपर्टी की ओनरशिप, इनकवरेंस सर्टिफिकेट यानी जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो फ्री फ्रॉम लोन होनी चाहिए, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, बिल्स ताकि उसमें ओनर्स का नाम आप चेक कर पाए, और जो लैंड या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसमें FSI या FAR कितना मिलेगा, और NA ऑर्डर जो आप जमीन ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं उसकी NA ऑर्डर किस प्रकार की है, रेसिडेंशियल NA है, कमर्शियल है, वेयरहाउस है या रिजॉर्ट है, और प्लॉट के डायमेंशन जरूर चेक करिए, हो सके तो फिजिकली भी आप मेजरमेंट ले लीजिए। नियर बाय डेवलपिंग पोटेंशियल यानी आसपास में क्या क्या डेवलपमेंट होगी, उस प्लॉट के आसपास कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट बनाया क्या या कुछ नया RTO ऑफिस खोला क्या या एयरपोर्ट के आसपास है क्या, तो उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि वो एरिया की फ्यूचर क्या है। और फाइनली आपको उसी जमीन या प्लॉट या उसी प्रॉपर्टी की सारे अप्रूवल्स, प्लान पास और इफ अवेलेबल रेरा सर्टिफिकेट ये मस्ट चेक करना। उदयपुर में आप कहाँ निवेश करेंगे यानी कौन कौन एरिया मोस्ट डिमांडिंग और ग्रोइंग एरिया है,
सबसे पहले है डेबोक एरिया नियर GITS यानी गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज। ये एयरपोर्ट रोड में आता है। ऐसे सभी ना ये हिरन मागी में आता है और बिल्कुल बस स्टैंड के नजदीक। प्रताप नगर ये प्रीमियम एरिया है, क्लोज टू रेलवे स्टेशन। भुवन एरिया उदयपुर नाथेवाड़ा हाईवे के ऊपर यानी उदयपुर शहर से 4 किलोमीटर दूरी पे ये भुवन एरिया है। नियर न्यू RTO या नियर पैसिफिक डेंटल कॉलेज, ये एरिया में आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको घर बना के रहना है तो आप 100 फीट रोड या न्यू भोपालपुरा या हिरन मागी सेक्टर 3, 7, 8 ये सब एरिया को आप कंसीडर कर सकते हैं। जो हिरन मागी एरिया है ये उदयपुर की लार्जेस्ट रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पे और उदयपुर में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए 17-18 लाख ऑनवर्ड्स प्रॉपर्टी आसानी से मिल जाते हैं। यदि आप कहीं अटकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए या कहीं किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी चाहिए, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। यदि टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और हो सके तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रखिए ताकि लगातार हमारे नए वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आज के लिए आप लोग हमें इजाजत दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।